भाई अगर पाकिस्तान टीम ऐसी क्रिकेट अपनी रखेगी तो आपका जो पड़ोसी मुल्क है वो ऐसी नंबर वन पे जाता रहेगा और हम लोग ऐसे ही नीचे आते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो है वो ये है कि पीएसएल क्या कम दुख दे रहा था पाकिस्तानियों को, जो आईसीसी भी उतर गया है मैदान में। मैं देखो आज बड़ा सीरियस, आज मेरे भाई को बहुत दुख मिला। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आज बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, अभी तुमने मजबूरन मुझे बिठाया हुआ है, वरना मैं तुम्हें बोल देता भाई अकेले बना लो वीडियो आज। तुम्हें तारीफ करने में इतना क्यों कंजूसी करते हो? तारीफ की बात है, मेरी हट नहीं रही कि इंडिया क्यों नंबर वन बन गया। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया नंबर वन ओडीआई टीम तो था, टी20 टीम भी था। आज न्यूज आई है कि इंडिया नंबर वन टेस्ट टीम भी बन गया है। ठीक है, तो भाई ये आप देखो, मेरी कोई हट नहीं, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, ना मेरी हट रही है, ना मैं जेलिस हो रहा हूँ। लेकिन यार फिर जब मैं एक साइड पे यहाँ पे अपने क्रिकेट की हालत देखता हूँ ना, पाकिस्तान टीम की, तो फिर मसला होता है यार। आप देखो ना यार, इंडिया एशिया की टीम ही है ना, इंडिया के अंदर कोई रिबोट तो है नहीं जो वो खेल रहे हैं। वो भी इंसान ही है ना, उनके पास भी हाथ है, वही बैट है, वही बॉल है, वही पिच है, तो आप लोग क्यों नहीं खेल सकते हो यार ऐसी क्रिकेट? अच्छा, ये जो रैंकिंग इनको मिली है ना, ये मिली अभी रिसेंट टेस्ट रिसेंट में ली है। यार आप देखो, उन्होंने इंग्लैंड की कैसी ऐसी की तैसी करी है यार। ने किए उन्होंने बेस बॉल को पता नहीं कौन सी गली की बॉल बना दिया यार उन्होंने तो। आज वो तो एक टेस्ट जीत गई इंग्लैंड गलती से, कसम से, ये तो व्हाइट वॉश वाला सीन था। आप ये देखो, विराट नहीं था, सीनियर प्लेयर भाई यंगस्टर के साथ खेले वो लोग अपने यार, उनके तो कोई मेन बंदे थे ही नहीं टीम में। तुम ईमानदारी से खुद बताओ, जो हमने वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम देखी थी, कोई जान पहचान का देखा तुमने? सारे बंदे थे यार, सारे नए बंदे, तो उनके साथ उन्होंने ये हाल किया। सामने वाले कौन थे? मामे बेन स्टॉक वाले। अच्छा हमारे पाकिस्तान वालों के पास सिर्फ अपना आप उंगली उठाने का वो है। अब हम उंगली क्या उठाएंगे कि यार वो इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी, इस वजह से जीत गई। मेरे भाई इंडिया साउथ अफ्रीका भी गई थी टेस्ट मैच खेलने, वहां पे अगर एक हारी तो बराबर कर आई सीरीज 1-1 से। ये नहीं कि आपकी तरह ऑस्ट्रेलिया गए और व्हाइट वॉश होकर आ गए। यार इतनी अच्छी टीम भेजी थी और आप व्हाइट वॉश होकर आए। चलो यार हम बोलते हैं कि यार ऑस्ट्रेलियन टीम के मुकाबले की नहीं थी, ठीक है नहीं थी। देखो इंडिया भी तो अभी नंबर वन टेस्ट टीम बन गया, लेकिन इंडिया भी तो लास्ट टाइम का WTC का जो फाइनल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया से हारा था ना, बिल्कुल। तो इसमें कोई ये तो बात नहीं कि अगर वो गिर गए तो गिरी गए। अभी रिसेंटली इंडिया इंप्रूवमेंट वाली चीज है ही नहीं। अभी देखो, अभी रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड कप हारा, ठीक है, वर्ल्ड कप के बाद किस तरह से पकड़ा वापसी से उन्होंने अपनी ग्रिप बनाई, अभी वो लोग रेडी हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब हमारे वाले क्या है, हार गए तो नीचे ही जाए जा रहे, ऊपर आने की कोई मोटिवेशन नहीं। हमारे वाले अभी क्या सोच रहे हैं, किसको लेके जाए, और इंडिया वाले सोच रहे हैं कि किसको लेके जाए। मतलब यार हालात क्या आ गए, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, हालात क्या आ गए कि विराट कोहली को ड्रॉप करने के हालात यहाँ पर आ गए कि वो विराट कोहली को ड्रॉप करने का सोच रहे हैं। मेरे भाई अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा न्यू टैलेंट उभर उभर कर आ रहा है भाई, के कितने बंदों का नाम ले दो। अभी आप रिसेंट सीरीज देख लो ना इंग्लैंड की, उसमें बेन स्टॉक थे, सीनियर प्लेयर्स को कितना अच्छे तरीके से हराया। यार आप देखो, बात बताऊं क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट के बारे में पहले कहा जाता था, जब मैचेस होते थे ना, पहले कहा जाता था यार 50-50 है, ठीक है, कि यार अपना जीत सकता है, यार इंडिया भी जीत सकता है और वो पाकिस्तान भी। लेकिन जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते थे ना, तो कहा जाता था इंडिया जीतेगा। यार ऐसा क्यों है, 50 ओवर वाला मैच हम लोग क्यों नहीं जीत सकते भारत से? यार हम वर्ल्ड कप के अंदर भारत को 50 ओवर में क्यों नहीं हरा? देखो T20 अब जो फॉर्मेट है ना, उसमें नामीबिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी चल रहा होगा ना, तो चांसेस होंगे मैच फंस जाएगा आखिर में। इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका लास्ट वर्ल्ड कप में ये हुआ कि हम तो अफगानिस्तान से हार गए। अफगानिस्तान से यार 50 ओवर में आपका गेम नहीं है भाई ना, आपका देखो टेस्ट मैच के ना ऑडियंस बेशक बहुत कम होगी, लेकिन अगर मेरी नजर में देखा जाए ना, अभी हमने पूरी टेस्ट रिसेंट बहुत मजा आया, तो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली, पता लगने मिली, हमें बॉलें समझ आने लगी, हमें बैट्समैन के अंदाज समझ आने लगे, इसको इतना क्रिकेट समझ आई टेस्ट की, तो भाई देखो हम भी। चलो तुम अब ये बताओ ना, पाकिस्तान कब खेलने वाली है ऐसा क्रिकेट? यार क्या अब वही वाली बात है ना यार, देखो खेल सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास बॉलर्स नहीं है, बैट्समैन नहीं है, देखो खेल सकते हैं, लेकिन बात क्या होती है कि एक अंदर है ना उमंग होती है दिल में, अपने मुल्क के लिए खेलने की, अपने लिए खेलने की, वो नहीं है मेरे भाई। यार अभी आप देखो महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है भाई खत्म हो गया बिल्कुल, क्रिकेट वगैरह से रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, लेकिन अभी भी CSK के लिए खेल रहा है। देखो अगर अब वो CSK के लिए परफॉर्म नहीं भी करे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, लेकिन अभी वो वही उमंग दिखाएगा, वही जलवा दिखाएगा अपनी, वही पूरी वो स्ट्रॉन्ग तरीके से होकर कप्तानसी करेगा। अभी आप रिसेंट देख लो, रोहित शर्मा ही रणजी ट्रॉफी जो हो रहा था मैच, वो भी देखने गए। तो भाई कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर ला रहे हैं बंदों को, ऊपर ला रहे हैं यार। अच्छा हम लोग क्या करते, हम लोग PSL करवाते, बंदे ऊपर आते और वो इंटरनेशनल में आके, अभी मैं क्या बोलूं, अगर सीधा बोलूं तो हक देते, तो अब बात क्या करें यार। बंदा PSL करवाने का फायदा हमें ये होना चाहिए कि हमें टैलेंट मिले, जिस तरह से इंडिया को IPL कर, भाई ये जयसवाल है, ये शिवम दुबे है, ये कहां से आए, ये रिंकू सिंह है, शिवम दुबे, जयसवाल ये कहां से आए,
ये यहीं से आए ना यार, फिर ये अभी देखो इंग्लैंड में आए, अब इनको इंडिया ने चेक कर लिया, अब ये जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। अब हमारे वाले PSL के अंदर सेम अयूब है, आजम खान है, हमारे वाले तो सबको छोड़ के जाए, सबको छोड़ के। अब जब इनको इंटरनेशनल में लाते, ऐसी बात नहीं है, देखो चांस नहीं देते, चांस देते हैं, चांस देते हैं, सेम अयूब को दिया था चांस, क्या करके दिखाया यार, आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो इस तरह की बातें जब होती रहेंगी ना भाई, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ना, वो ऐसी नंबर वन पे जाता रहेगा और हम ऐसे नीचे 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 आते रहेंगे।